चलो आज तो हम बहुत खुश हैं, हमने तो तय कर लिया तुम दोनों की शादी में ना हम मुख्य द्वार पे लगवाएंगे बड़ा सा फव्वारा। सैनिटाइजर का? अरे नहीं नहीं, गेंदे के फूल का। तुम्हारा नाम गेंदा है ना, इसलिए खूब सजेंगे, सजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। नॉट पॉसिबल, ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? ये संतु है, संतु में संतु ही है। उसके कहने का मतलब ये था कि शादी ऐसे धूमधाम से नहीं हो सकती, क्योंकि उनको कोर्ट मैरिज करनी है ना, इसीलिए धूमधाम से नहीं हो सकती। ऐसे आ रहे थे हम। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ वो भी ठीक है, वो भी सही है। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, तो फिर हम ना एक छोटा सा समारोह रख लेते हैं आज। देखिए शादी फिक्स हुई है, आज तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना, क्यों दीदी? हाँ हाँ बड़ी दीदी, आज हम बरछा की रस्म रखेंगे, जाइए तैयारियां शुरू करवाइए। आज नहीं भी, आज हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है, कल कर लेंगे। हाँ देखिए रस्म हम आज ही करेंगे, आप मीटिंग कल कर लीजिए ना। समझने की कोशिश करो, बहुत जरूरी मैं टाल नहीं सकता। बेटी से ज्यादा जरूरी है क्या? नहीं उससे जरूरी नहीं, लेकिन नहीं नहीं हो सकता है। रसम हमें आज ही करनी है, बस हमने फैसला ले लिया है। छोटी माँ जाने दीजिए ना, बहुत जरूरी काम होगा तभी तो चाचा जी इस तरह से। तुम हमारे मामले में मत ही बोलो तो अच्छा रहेगा, हमें भी तो देखना है ना हमारी बात का इस घर में क्या महत्व है। नहीं मान जाइए ना बाबा, मीटिंग कल कर लेना। सर जी जब सब लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो मान जाइए ना। सर मीटिंग ही तो है, कल कर लीजिएगा प्लीज। अरे आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, मैं किसी भी हालत में मीटिंग कैंसिल। सुनिए सुनिए, अच्छा एक काम कीजिए, आपको मीटिंग आज करनी है ना, तो अपनी मीटिंग ना आप आज ही कीजिए, पर कुछ देर बात की रख लीजिए ना। देखिए रस्म की रस्म भी हो जाएगी और फिर आज की मीटिंग भी हो जाएगी, सब काम हो जाएंगे, मान जाइए ना। ये काम हो सकता है। तो फिर दो ताली। ऐसी कौन सी जरूरी मीटिंग है जिसे टाला नहीं जा सकता, शीघ्र ही पता लगाना पड़ेगा। ये डीजे एडमिट कार्ड वार्ड नंबर 3 में जाना है। जी पुष्पा जी, कैसे हैं आप? हाँ हम ठीक है, ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? वो हमारी उल्टी आंख भड़क रही थी ना, तो आपको लगा हम निपट गए, हमारा कल्याण हो गया? जब भी मुंह खोलती जल्दी कटी ही सुनाती है ना आप, कभी कभी तो शुभ शुभ बोला करो। अरे अशुभ तो तभी हो गया था ना पुष्पा जी, जब हमारे कदम आपके घर पर पड़े थे, तब से सब अशुभ अशुभ ही तो चल रहा है आपकी जिंदगी में। देखिए हमें आपकी चिंता हो रही है इसलिए पूछ रहे हैं, और क्या बकवास किए जा रही हैं आप? नहीं नहीं ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा तो आप रोज सुबह उठ के पूरी दुनिया को बताती है ना। आपसे बात करना मतलब करिश्मा जी। अच्छा देखिए कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल में दाखिला ले रहे हैं। पीछे का रास्ता मिल गया? पीछे का रास्ता का है, हम क्या कोई चोर है, हम कोई उचक्का है, हम सीधा सीधा औरत है, हम सीधा सीधा रास्ते से अंदर जाएंगे, बिल्कुल फ्रंट डोर से जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। वो महिपाल सिंह का अस्पताल है और वहाँ सिर्फ गर्भवती महिलाएं ही जा सकती है। कदम कदम पर दुश्मनों से भरा पड़ा है, थाना नहीं है वो कि मुंह उठा के आप कहीं से भी चल दिए, पकड़ी गई तो। पुष्पा जी रखिए अब फोन। एक बात नहीं सुनती हमारी, शिव जी करिश्मा जी की रक्षा कीजिए।
सर, पुलिस वाली हॉस्पिटल में एंटर हो चुकी है। मेरे ऑर्डर्स आने तक इंतजार करिए, सही वक्त आने पर हम खुद आपको कॉल करेंगे। जिक्र आपके चाचा कर रहे थे, हमें लगता है कि ये उसी हवाले से संबंधित है। इसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये आपका घर है, कैसे आप करेंगी आप जाने, लेकिन हमें इस मीटिंग की पूरी जानकारी चाहिए। आपके चाचा किससे मिलने वाले हैं, क्यों मिलने वाले हैं, उस मीटिंग का उद्देश्य, योजना, सब कुछ विस्तार से समझ गई आप? ओके सर, हो जाएगा। आप अपने काम में लग गए ना, वो नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए चलिए ना, आप आइए मेरे साथ, चलिए जल्दी चलिए। पंडित जी नमस्कार। यजमान, अब आप जो भी भेंट या उपहार अपने दामाद को देना चाहें दे सकते हैं। हम बस अभी आए। अरे सुनो, कौन हो तुम? पहले कभी देखा नहीं मैंने तुम्हें। अब वो आज ही हमने दाखिला लिया ना, आज ही हो। तो फिर बाहर क्यों घूम रही हो, अपने कमरे में जाओ। वो कौन सा कमरा है तुम्हारा? हमारा कमरा वो ये हमारा कमरा है। फिर जाओ अपने कमरे में। मन नहीं लग रहा था इसलिए हमने सोचा कि हम टहलें। जाओ जी जी, हम जा रहे हैं। पंडित जी थोड़ा जल्दी कीजिए ना, देर हो रही है। हो गया, अब आप प्रस्थान कर सकते हैं। सर जी, सर 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 एक मिनट, सर सर एक मिनट, हम थोड़ा बाबा से बतिए। बाबा, ए बाबा, घोर अनर्थ क्या कर रहे हैं? कैसा झोला छाप पंडित हैं आप ना, कैसे बोल सकते हैं आप इनको प्रस्थान के लिए? अभी विधि संपूर्ण नहीं हुआ है, मंत्र पूरा नहीं हुआ है, वधू के पिताश्री है ये, क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई पंडित, मैं हूँ कि तुम हो? देखिए, हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है, सुपुत्र श्री गंगाधर चतुर्वेदी, हम भी पूर्ण रूप से पंडित है। चलिए साइड होइए, हमको भी थोड़ा बचा खुचा मंत्र उच्चारण करने का मौका दीजिए। चलिए उठिए, हो गया। दक्षिणा एक कोई मिलेगी, चाहे आप कतरे पंडित बिठा लो यहाँ पर तुम। अरे बच्ची को लिया।
माइक्रोफोन के जरिए हम यहाँ चल रही बातें और सारी खुफिया मीटिंग्स के बारे में जान जाएंगे।